UP, and recently I'm working as a train operator in Bhimar. Recent qualification is being for you. You're working as a train operator in Delhi Metro. What are the things a train operator should keep in mind while working in Delhi Metro? तेरो करे तो मैं काम करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म पे अप्रोच करते हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी किसी तरह से जैसे डोर ऑपरेशन करते हैं या प्लेटफॉर्म ड्यूटी जो भी होता है उसमें था इसके अलावा ट्रैक किसी तरह की इलीगल या सेफ्टी वायलेशन वाली एक्टिविटी वो सब कुछ रिसेंटली जो बॉटनिकल गार्डन वाला जो मेट्रो जो चलाई है वो कहाँ से लाई गई मेट्रो के कोचेज लाइक फ्रॉम विच कंट्री द टेक्नोलॉजी ऑफ दोस कोचेज आर बीइंग इंपोर्टेड सर मोस्ट ऑफ द कोचेज आर फ्रॉम बीएमएल बंगलोर से वो बना मंगाए गए हैं उससे पहले जो चाइनीज कुछ वो रोलिंग स्टॉक डिफरेंट है वहाँ तो कुछ जो शुरुआती टेक्नोलॉजी थी वो जर्मनी से मंगाई थी उसके बाद फिर चाइनीज भी रखा गया तो ये इस तरह से है नहीं कि मैं बता सकूँ कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं अच्छा ये बताइए जो अभी ये रिसेंटली इनोग्रेट किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसमें दिल्ली के सिचुएशन नहीं बैठ जिसकी काफ़ी क्या कहते हैं चीज़ें वो मीडिया में भी आई क्या रीज़न था कि दिल्ली के सिचुएशन नहीं बुलाया गया था क्या प्रोटोकॉल क्या होता है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आते हैं किन किन क्या कहते हैं मंत्री को बुलाते हैं तो आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी नहीं हो आपने हमें क्या हुआ पॉलिटिकल साइंस के अच्छा सेंट्रल में मिनिस्ट्रीज की हायरार्की क्या कहती है किस पद पे क्या करता है होम मिनिस्टर से लेकर के नीचे अंडर सेक्रेटरी क्या हायरार्की रहती है कुछ पता है आपको अच्छा वर्ल्ड 23rd कॉन्स्टिट्यूशन बिल के बारे में पता है क्या ये सर ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा का आयोग बना हुआ था 1993 में तो उसका एक एक्सटेंशन है उसमें कुछ और क्लोज इन्होंने जोड़े हैं तो वही उसे पास कराना था क्या नहीं वो तो ऑलरेडी ही लेकिन कमीशन तो है ही ऑलरेडी क्या आपने क्या जरूरत पड़ी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंकॉर्पोरेट किया जाए क्या फर्क होगा उससे सर अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वो मैंने बोला तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या जरूरत पड़ेगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए उसे क्या फर्क होगा अच्छा जो कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका प्रावधान है आर्टिकल 341 टॉक्स अबाउट वो तो शेड्यूल कास्ट की बात है मैं कमीशन कमीशन की बात कर रहा हूं सर ये एनसीएससी हां एनसीएससी की बात है 338 ए है सर 338 ए में तो एसटी है एससी किसमें है शेड्यूल कास्ट का कमीशन क्या पावर्स क्या रहते हैं अच्छे कमीशंस की क्या इम्पोर्टेंस है मेरठ की भारतीय इतिहास में सर इसके अलावा वहाँ पे एक मेरठ कॉन्स्पिरेसी का भी केस चला था जो कि विक्टोरिया पार्क में 1924 का है और उसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये एज ए वकील एडवोकेट उन्होंने केस लड़ा था वहाँ शास्त्री पार्क में एक जगह है कालीपल्टन नाम से वहाँ पे भी एक बेटर हुआ ये एक आपका बॉडी है ना कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी को कैसे डिफेंड करेंगे आप किसको बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे इस तरह से कि बोल दिया सर सर नहीं बोलता
मिलिट्री फोर्सेस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री। इसके अलावा मिलिट्री फोर्सेस जो सीधे बॉर्डर पे किसी तरह की एक्टिविटी होती है फ्रॉम अदर कंट्रीज तो उससे सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री फोर्सेस रहते हैं। पैरामिलिट्री के लिए डिफाइन किया गया जैसे कि मेन लैंड में भी किसी तरह की होती है जो सिविल पुलिस सॉरी सिविल पुलिस। आपके बाद लगातार आप सीआईएसएफ सीएपीएफ के एग्जाम दिए जा रहे हो, अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, क्या रीजन है? आपको क्या लगता है? मैं मेरी कमियां रही हैं शुरुआत से ही। शुरू में मैं अवेयर नहीं था, शुरू में एग्जाम के बारे में अवेयर नहीं था, बस पहली बार मैं ऐसे ही दे दिया, उसके बाद से फिर थोड़ा क्या सीखा? जो जैसे कि कंटिन्यूटी आपने अपने पहली बार में दूसरी बार में कंटिन्यूटी नहीं थी, बस मैं ऐसे ही एग्जाम देने गया। अच्छा, चलिए अपने दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव ट्रेट बताइए, दो नेगेटिव ट्रेट और दो पॉजिटिव ट्रेट बताइए, अपने दो क्वालिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दो। आपके अंदर दो नेगेटिव क्वालिटीज क्या हैं और दो आप अपनी दो अच्छाइयां सोचो, क्या अच्छाइयां हैं, दो बुराइयां बताओ क्या हैं। आपने रेलवे में काम किया है तो ये बताइए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? खड़गपुर। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था बिफोर इंडिपेंडेंस?
गवर्नर जनरल और विलियम हैंडली। अच्छा, यानी कि पहली बार इलेक्शन कब हुए थे इंडिया में फॉर इंडिपेंडेंस? इलेक्शन 1921, 1922, What is the difference between culture and civilization? मेरठ से अप डाउन करते हैं? दिल्ली में कहाँ रहते हैं? नेहरू बिहार। आप ये बताइए कि जैसे अगर हम कार में हमारी कैपेसिटी 5 की है, हम 6 बिठा लें तो हमारा चालान होता है, मेट्रो की कैपेसिटी क्या है? जो आपकी कोच होती है मेट्रो की, उसकी ऑथराइज कैपेसिटी क्या है? सर, ऑथराइज कैपेसिटी है 22 से ऊपर का। 22, फिर आपका चालान क्यों नहीं दिया जाए? आप तो बहुत भर के ले जाते हैं। भाई जब ऑन रोड हम चलते हैं तो 5 से 6 होने पे चालान होता है, और आप 22 की जगह 2 से ले जाते हैं, तो आपका चालान क्यों दिया जाए? सर, बीएमआर मेट्रो को डिजाइन किया गया है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। अच्छा, तो जितने ज़्यादा ज़्यादा वो लोग ले जा सकते हैं इस मेट्रो में, तो ले ही जाते चालान जैसे। नहीं, जब कैपेसिटी है तो इसलिए मैंने पूछा। अगर फिर आप कैपेसिटी क्यों कहते हो? आप बोलो जितने आ जाएंगे हम भर लेंगे उसमें। सर, ये तो चलिए, आपका एमए में क्या सब्जेक्ट था? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, मुझे पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन बता दो, है क्या? पॉलिटिकल साइंस स्टैंड फॉर नेगोशिएशंस फॉर सेकंड बेस्ट विद इन टू ग्रुप्स। पॉलिटिकल साइंस इज ए मेथड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन टू ग्रुप्स। अगर मैं आपसे एक गिलास खरीदता हूँ और आपने 50 पैसे मांगे, मैं 25 के लिए नेगोशिएट करता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में आएगा? नहीं सर। भाई नेगोशिएशन तो है। चलिए आप मुझे बताइए, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये दो मंत्री हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर, राज्य मंत्री उन्हें एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनके एक तरह से असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। आप बिल्कुल श्योर हैं? राज्य मंत्री बड़ा होता है कि कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है? अब मैं तीनों नाम देता हूँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इन तीनों में आप बताइए सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है? सर, कैबिनेट मंत्री जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री जो होती हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री, तो उन्हें जो डिपार्टमेंट सौंपा जाता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उससे नीचे फिर एक्चुअली सर के मंत्रालय में तीनों हैं। अब सर ये नहीं समझ पा रहे हैं उसमें सीनियर कौन है जूनियर कौन, किस को? कैबिनेट मिनिस्ट्री मिनिस्टर ज़्यादा हायरार्की में बड़ा होगा, पहले स्थान पर। अच्छा, फिर स्टेट मिनिस्टर, फिर स्टेट में इंडिपेंडेंट। चार लोकसभा में और राज्यसभा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार्ट और अनस्टार्ट, ठीक है? हिंदी में कहते हैं मौखिक और लिखित, तारांकित और अतारांकित, ठीक है? आप इस तरह समझ लीजिए, इन दोनों में क्या फर्क है? सर, तारांकित प्रश्नों का जवाब देते वक्त उनका जवाब मौखिक दिया जाता है, और उसके बाद फिर हम कोई क्वेश्चन अगर आता है तो पूछ सकते हैं तारांकित प्रश्नों में। प्रतारांकित प्रश्नों का जवाब लिखित में दिया जाता है, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। तारांकित प्रश्न का जवाब कौन देता है, अतारांकित का कौन देता है? सर, जिस विभाग के मंत्री से पूछा गया था वही वो देगा। अब सर, यहाँ तीनों मंत्री हैं, कौन जवाब देगा?
राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री सभी देंगे सर डिपार्टमेंट से। ठीक है सर, ओके थैंक यू। चलिए दो मिनट में आपको बुलाते हैं। थैंक यू।